सदगुरु बता रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को नष्ट किया, जिससे बुनकरों को अपना जीवन चलाने के लिए खेती करनी पड़ी। इससे खेती के कम असरदार तरीके विकसित हुए और भारत की मिट्टी नष्ट होने लगी। इसका समाधान क्या है? पेड़ लगाना। सदगुरु कहते हैं, अगर आप कोयम्बटूर से दिल्ली तक की विमान यात्रा करें और हर 5 मिनट में खिड़की से झांक कर नीचे देखें, तो पश्चिमी घाट के बाद आपको भूरे रंग के रेगिस्तानों के सिवाय कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। यह हुआ है हमारी नासमझ तरीके से की गई खेती के कारण। आज भारत की 84% भूमि पर खेती होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में लगभग 94% लोग खेती पर निर्भर थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे सब पारंपरिक रूप से किसान थे। अगर आप इस देश का इतिहास देखें, तो पाएंगे कि 250 साल पहले हम विश्व के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक देश थे। सारी दुनिया के कपड़ा निर्यात का 1/3 भाग भारत से होता था। हमारे देश के 40-45% लोग कपड़ा बनाने का काम करते थे। हमने कभी कपास बाहर नहीं भेजा, क्योंकि हमारे कपास की गुणवत्ता बहुत बढ़िया नहीं है। पर उसी छोटे रेशे की कपास और रेशम, सन, जूट तथा अन्य प्रकार के रेशों से हमने जादुई कपड़ा बनाया। हमने बुनाइयों की 140 से ज्यादा अलग अलग किस्में विकसित की और उनके साथ कुछ ऐसी जादू भरी कारीगरी की कि उनसे बने कपड़ा पर सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कहा, भारत के मैदान सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियों के सफेद रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन वर्ष 1800 से 1860 के बीच हमारे कपड़ा निर्यात में 94% की कमी हो गई। यह अनजाने में नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। अंग्रेजों ने हमारे हथकरघे तोड़ डाले, बाजारों को नष्ट कर दिया, हर चीज पर 3 गुना से ज्यादा टैक्स लगाया और इंग्लैंड में बना मशीनी कपड़ा ले आए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने एक जगह कहा है, भारत के मैदान सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियों के सफेद रंग में रंगे हुए हैं। जब उनके रोजगार के साधन नष्ट कर दिए गए, तो लाखों लोग भूख से मर गए। बाकी लोगों ने किसी तरह जमीन जोतना शुरू कर दिया, जिसे खाने के लिए कुछ जुटाए जा सके। हर जगह बस गुजारे लायक खेती का काम शुरू हो गया। ये कोई पारंपरिक किसान नहीं थे, बल्कि कपड़ा उद्योग के विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोग थे, जो बस जिंदा रहने के लिए खेती करने लगे थे। जब हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली, तब भारत में 90% से भी ज्यादा लोग खेती कर रहे थे। आज यह संख्या घटकर 70% रह गई है। इसका मतलब यह है कि 10 लोगों का खाना 7 लोग दे रहे हैं। ये कोई बहुत कुशलता की बात नहीं है, है कि नहीं? हम जमीन का लगभग हर टुकड़ा जोत रहे हैं, पर बहुत थोड़ा ही उगा पा रहे हैं। अगर हम अपने खेती करने के ढंग में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करते, तो इस परिस्थिति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। इस देश में यदि आप ऐसी जगह जाए जहां मिट्टी अच्छी है, तो आपको 1 घन मीटर मिट्टी में 10,000 से भी ज्यादा प्रकार के जीव मिलेंगे। सारी धरती पर किसी भी अन्य देश की मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी में सबसे सघन जीवन मौजूद है। भारत में उसी जमीन पर हजारों वर्षों से खेती हो रही है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी से मिट्टी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि अब यह जमीन रेगिस्तान बनने की तैयारी में है। इसका कारण यह है कि हमने अधिकांश पेड़ काट डाले हैं और करोड़ों पशुओं को देश से बाहर भेजा जा रहा है। हमें समझना चाहिए, वे सिर्फ जानवर नहीं हैं,
वे हमारी उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी सतहें हैं जिन्हें हम अन्य देशों में भेज रहे हैं। जब जानवर नहीं होंगे तो आप अपनी मिट्टी को कैसे पोषित करेंगे? अगर आप अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जैविक पदार्थ जाने चाहिए। अगर पेड़ों की पत्तियां जमीन पर नहीं गिरेंगी और जानवरों का गोबर उसमें नहीं मिलेगा, तो जमीन में और कुछ भी डालने का कोई लाभ नहीं होगा। ये बिल्कुल सरल बुद्धिमानी की बात है जो हर किसान परिवार जानता है कि कितनी जमीन पर कितने पेड़ और कितने जानवर होने चाहिए। ये एक राष्ट्रीय स्वप्न है जो हमारे पुराने योजना आयोग ने भी अपने दस्तावेज में लिखा है कि हमारे देश की 33% जमीन पेड़ों से ढकी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपनी मिट्टी की रक्षा करनी है तो यही एक मार्ग है। और मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि देश में ऐसा कानून बने कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो आपके पास गौ जाति के कम से कम 5 पशु होने चाहिए, अन्यथा आपको उस जमीन से बेदखल कर दिया जाए क्योंकि आप उस जमीन को नष्ट कर रहे हैं। हमारी जमीन के बारे में एक अद्भुत बात है जिसके बारे में हमारे पास वैज्ञानिक आंकड़े तो है पर अभी तक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। वह ये है कि इस देश में यदि आप ऐसी जगह जाए जहां मिट्टी अच्छी है तो आपको 1 घन मीटर मिट्टी में 10,000 से भी ज्यादा प्रकार के जीव मिलेंगे। सारी धरती पर किसी भी अन्य देश की मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी में सबसे सघन जीवन मौजूद है। हमें इसके कारणों की जानकारी नहीं है पर इसे फिर से अच्छा बनाने के लिए थोड़े से ही सहयोग की जरूरत है। अगर आप उसे ये सहायक तत्व पेड़ों की पत्तियां और पशुओं का मल दे तो हमारी यह जमीन बहुत जल्द अच्छे परिणाम देगी। लेकिन क्या हमारी इस पीढ़ी के पास यह सहायता देने के लिए आवश्यक समझ है या फिर हम सिर्फ बैठे बैठे अपनी जमीन को मरता हुआ देखते रहेंगे? कृषि वानिकी मॉडल को अपनाने से पहले 5 वर्षों में 5 वर्षों की औसत कमाई 3 से 8 गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए कावेरी नदी के बेसिन में 83,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। पिछले 50 वर्षों में 87% वृक्ष काट डाले हैं। इसलिए मैं एक नया अभियान शुरू कर रहा हूं, कावेरी पुकारे, जिससे इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। कावेरी बेसिन के 1/3 भाग को हरा भरा करने के लिए हमें 242 करोड़ पेड़ लगाने होंगे। ये काम ईशा फाउंडेशन नहीं करेंगी। हम कृषि वानिकी अभियान चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को यह समझाया जा सके कि उनके लिए यही आर्थिक मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। कर्नाटक में एक किसान की औसत कमाई 1 वर्ष में 1 हेक्टेयर जमीन पर 42,000 रुपये होती है। तमिलनाडु में ये औसत 46,000 रुपये है। कृषि वानिकी मॉडल को अपनाने के बाद पहले 5 वर्षों में 5 वर्षों की औसत कमाई 3 से 8 गुना बढ़ जाएंगी। एक बार लोग अगर इसका आर्थिक लाभ देख लेंगे तो फिर आपको उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, वे इसे स्वयं अपनाएंगे। अगर हर कोई अपनी 1/3 जमीन कृषि वानिकी में बदल लेता है तो उसकी कमाई भी अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और मिट्टी भी समृद्ध हो जाएंगी। धन्यवाद।